अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, टुडे आई विल शो यू द रेसिपी ऑफ कैरट्स पिकल। इट्स वेरी सिंपल एंड फुल ऑफ फ्लेवर और बहुत ही इजी है। आप इसको बनाइए, विंटर्स आ चुकी हैं तो ये इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 250 ग्राम कैरट्स और ये ज़रा मायूस सी लग रही होंगी आपको, क्योंकि ये 3-4 दिन से फ्रिज में पड़ी हुई थी, मुझे मौका नहीं मिल रहा था इसमें अचार बनाने का। तो सबसे पहले हम इन कैरेट्स को छील लेंगे एक पीलर की हेल्प से। आप इसको छील लें, इसका छिलका पूरा उतार लें। अच्छा, ज़्यादातर जो होते हैं वो उसमें ये जो अंदर येलोइश पार्ट होता है गाजर में, वो भी अलग कर लेते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इसको सिर्फ छीलेंगे और ये छिल चुकी हैं, और इसको अपने साइज़ के जैसा साइज़ आपको पसंद है पीसेस का, वैसा ही आप इसको कट कर लें। तो मैं मीडियम साइजेस के पीसेस करूँगी इस टाइप के, और इसको मैं 3-4 कट्स और लगा दूँगी। ये जो हल्का सा येलोइश पार्ट है ये हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये वैसे भी अचार में अच्छा लगता है। सारे पीसेस हमने कट कर लिए हैं और अब हम इसको रखते हैं एक बॉल में और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ एक पैन में मैंने सबसे पहले कुछ स्पाइसेस हैं उनको हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है ये सूखी हुई मिर्चें हैं, और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें मेथी दाने डाले हैं, और 1 टीस्पून धनिया, खड़ा धनिया। इन सबको हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। अच्छा, रोस्ट करने से ये होता है कि एक तो इसमें मॉइस्चर नहीं रहता, तो ये ईज़िली जो है इसका पाउडर हम बना सकते हैं, और फ्लेवर भी इन्हेंस हो जाता है, दोनों फ़ायदे हो जाते हैं। तो ये हमारे भुन चुके हैं मसाले, इसको हम ठंडा करके पीस लेंगे, और अब हम दूसरी चीज़ें डालते हैं। जब तक वो सब चीज़ें ठंडी होंगी तब तक हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालते हैं। तो ये हमने 1/2 टीस्पून अजवाइन डाली है, ये भुनी हुई है हल्की सी, इससे थोड़ा हाजमा भी अच्छा हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर मैंने अमचूर पाउडर लिया है। अमचूर पाउडर की जो क्वांटिटी है वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, यहाँ मैंने 1 टीस्पून डाला है, और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, और थोड़ा सा कलर के लिए मैंने यहाँ पर कश्मीरी रेड पाउडर डाला हुआ है। थोड़ा सा और डाल देती हूँ मैं इसमें, ताकि इससे कलर अच्छा सा आ जाए। और यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा सौंफ ली हुई है, ये मोटी वाली सौंफ ली हुई है, आप चाहें तो इसमें बारीक भी ले सकते हैं। और ये जो मसाले हमने ड्राई रोस्ट किए थे उसका मैंने पाउडर बना लिया है, ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं है, ये भी हमें इसमें डाल देना है। और अब इसको कर लेना है एक बार मिक्स कर लेते हैं। ये चम्मच थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो मैं इसको चेंज कर लूँगी चम्मच को। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, कट करने के बाद थोड़ा सा आप ये गाजर हैं उसको 10-15 मिनट के लिए हवा में छोड़ दें, जिससे इसका सारा जो एक्स्ट्रा जूस है थोड़ा सा ड्राई हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी विनेगर। विनेगर बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स है इसमें। आप अगर इंस्टेंटली बनाना चाहते हैं तो आप नींबू का रस डाल सकते हैं, या फिर आपको थोड़ा लंबे टाइम के लिए बनाना है तो आप इसमें विनेगर ऐड करें। दोनों का काम एक ही है, दोनों एक ही तरह से वर्क करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून विनेगर डाल दिया है, तो इससे ये अचार हमारा जो है ख़राब नहीं होगा और ज़्यादा दिन तक चलेगा। और यहाँ 1 टीस्पून मैंने शुगर ऐड करी है सबसे लास्ट में, क्योंकि ये मेल्ट होगी, इसका भी थोड़ा सा जूस इसमें मिल जाएगा, तो ये खट्टा मीठा सा अचार बनकर तैयार हो जाएगा। इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बद आप इसको एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दें, 2-3 दिन में या फिर एक 24 घंटे में अच्छे से खाने लायक हो जाएगा। तो चलें जी, हमारा अचार तो बिल्कुल रेडी है। अब आप बनाइए दाल चावल या पूरी और उसके साथ इसको खाइए, ये बड़ी ही मज़े के लगते हैं अचार। इसमें आप मूली भी ऐड कर सकते हैं, और कमेंट भी मुझे ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसा लगा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।